गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल यूपीएस में काम से। आज क्लास इंग्लिश का टॉपिक है आपका प्रोनाउन। तो मैंने इससे पहले आपको नाउन पढ़ाया था कि व्हाट इज़ नाउन। तो हमें नाउन पढ़ा था, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग। ठीक है, नाउन क्या होता है? पर्सन प्लेस और अ थिंग, किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम और किसी चीज़ का नाम, तो उसे कहते हैं हम नाउन। तो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस वो वर्ड हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं। नाउन मीन्स पर्सन प्लेस और थिंग के जगह पे हम दूसरे वर्ड्स हम जब यूज करते हैं उसे कहेंगे हम नाउन, प्रोनाउन सॉरी। प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, पर्सन प्लेस और थिंग की जगह पे। एग्जाम्पल जैसे ही, शी, इट, दे, यू, ये जो वर्ड्स हैं आपके ही, शी, इट, दे, यू एटसेट्रा, तो ये एग्जाम्पल जो है ये प्रोनाउंस की हैं। नाउन्स में हमने एग्जाम्पल हमने यूज़ की थी, किसी का नाम लिखा था हमने, किसी जगह का नाम लिखा था हमने या किसी चीज़ का नाम लिखा था, वो हमने की थी नाउन में। और प्रोनाउन में है क्या? प्रोनाउन में उन वर्ड्स की जगह पे हम यूज़ करते हैं। ही, शी, ही हो गया लड़के के लिए, शी हो गया लड़की के लिए, और इट होगा किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ही, शी, इट, दे, यू, ये वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। नाउन की जगह पे हम जब यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन आर वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, मैरी इज एन एक्सीलेंट टीचर। जो मैरी है वो एक एक्सीलेंट टीचर है। मैरी क्या है? वर्ड नाउन वर्ड है, और इस नाउन वर्ड की जगह पे हम जब ये वर्ड यूज़ करते हैं, शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, मतलब नाम नाउन की जगह हमने जो वर्ड यूज़ किया शी, वो हो गया प्रोनाउन वर्ड है। ठीक है, मैं दोबारा बोलती हूँ, ये वर्ड्स हैं ही, शी, इट, दे और यू, जो ये वर्ड्स हैं ये हैं प्रोनाउन। मैरी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, मैरी जो है एक्सीलेंट टीचर है। मैरी वर्ड जो है ये नाउन वर्ड है, और इस नाउन वर्ड की जगह हमने जब शी यूज़ किया मैरी के लिए, मैरी लड़की है, लड़की के लिए हमने शी यूज़ किया, तो ये वर्ड हो गया प्रोनाउन, ही, शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। तो नाउन की जगह जो वर्ड यूज हुआ वो है प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी, द बुक इज इंटरेस्टिंग। बुक, बुक वर्ड क्या है? नाउन, इस बुक की जगह हमने वर्ड यूज किया इट, तो ये बन गया प्रोनाउन, इट इज इंटरेस्टिंग। जो बुक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बुक वर्ड है जो है नाउन की जगह हमने प्रोनाउन वर्ड यूज किया इट। थर्ड है, आदिल एंड सलीम आर स्टूडेंट्स। आदिल भी नाउन वर्ड है, ठीक है, और जो आपका ये वर्ड जो है, ये सलीम जो है, ये भी आपका नाउन वर्ड है। ठीक है, आदिल एंड सलीम आर स्टूडेंट्स, नाउन वर्ड है दोनों, आदिल और सलीम। तो इन दोनों वर्ड्स की जगह पे हमें जब हमने दे यूज किया, ठीक है, ये वर्ड आ गया प्रोनाउन। ठीक है, हमने पढ़ा ना, ही, शी, इट, दे, यू, तो ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन है। दे आर स्टूडेंट्स, आदिल और सलीम कौन? दो, दो के लिए हम दे लगाते हैं। आदिल और जो सलीम हैं दोनों क्या हैं? वो स्टूडेंट्स हैं, तो ये वर्ड आ गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया? प्रोनाउन। नेक्स्ट है, द एप्पल्स आर वेरी गुड। एप्पल्स क्या हैं? थिंग। ठीक है, मैरी हो गया पर्सन, ठीक है, बुक हो गई थिंग, फिर एप्पल, एप्पल क्या आ गई? थिंग आ गई। द एप्पल्स आर वेरी गुड, जो एप्पल हैं बहुत ही अच्छे हैं। एप्पल वर्ड जो है हमारा नाउन है, लेकिन इस नाउन की जगह पे हमने वर्ड यूज़ किया दे, दे आर वेरी गुड, मतलब प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया है, दे, एप्पल्स की जगह हमने दे यूज़ किया है। तो नाउन के फिर प्रोनाउन क्या हो गया? प्रोनाउन वो वर्ड्स हो गए जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। ही, शी, इट, दे एंड यू, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम और भी कर सकते हैं। दोबारा आपको बताती हूँ, ये प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, यू एटसेट्रा। मैरी इज एन एक्सीलेंट टीचर। मैरी क्या है? एक पर्सन है, नाउन है वर्ड, तो इसकी जगह हमने लगाया शी इज एन एक्सीलेंट टीचर, तो ये हुआ प्रोनाउन। मैरी की जगह हमने, नाउन की जगह हमने प्रोनाउन वर्ड यूज किया शी। द बुक इज इंटरेस्टिंग। बुक वर्ड जो है ये थिंग है, ये नाउन है, इसकी जगह हमने वर्ड यूज़ किया इट इज इंटरेस्टिंग, मतलब बुक की जगह हमने यूज़ किया इट, नाउन की जगह हमने यूज़ किया प्रोनाउन। आदिल एंड सलीम आर स्टूडेंट्स। आदिल वर्ड भी नाउन है, सलीम वर्ड भी नाउन, ये दो बोथ आर पर्सन्स,
नाउन की जगह हमने वर्ड यूज किया दे, आदिल और सलीम की जगह हमने वर्ड यूज किया. अगर एक होता तो हम ही लगाते, ठीक है, लेकिन दो हैं तो ये आएगा दे आर स्टूडेंट्स. तो नाउन की हमने जगह हमने वर्ड यूज किया प्रोनाउन. द एप्पल्स आर वेरी गुड, एप्पल्स वर्ड है थिंग, तो ये नाउन वर्ड है, ठीक है. तो इस नाउन की जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया, दे एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो क्या है दे आर वेरी गुड. तो नाउन की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया, प्रोनाउन. तो ये है जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज होते हैं उन्हें हम कहेंगे प्रोनाउंस, ठीक है. प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड हैं जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं. तो बच्चों, तो आपने नाउन भी लिखना है कॉपी पे और प्रोनाउन भी लिखना है. नाउन में रिपीट करते हो, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग. जितने भी पर्सन हैं या प्लेसेस के नाम हैं या थिंग्स के नाम हैं वो नाउन हैं, और इनकी जगह पे जो हम वर्ड यूज करते हैं ही शी इट दे यू वो सब क्या है, प्रोनाउन है. तो बच्चों आप अपनी कॉपी पे, इंग्लिश की कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा. थैंक यू. तो मैं इसके बाद आपको इसको इसकी कल जो है मैं इसके आपके और एग्जाम्पल करवाऊंगी आपको इसकी प्रोनाउन की. कल मैं आपको नाउन की एग्जाम्पल भी करवाऊंगी और प्रोनाउन की भी करवाऊंगी. ओके, थैंक यू.